सारी सारी रात सोनिया नहीं काबू जे मेरे जज्बात सोनिया। लो भी प्यारियो की हाल है तुहाडा, ठीक हो? अज इहो जिहा एक वाकिया तुहाडे लई लैके आया कि जिहनूं सुण के ना तुसीं हैरान हो जाओगे कि इह किहो जिही औरत आ, इन्नी खचरी कि इहने 10 साल तक लोगां नूं पता नहीं लगन दित्ता, और उह वी फिल्मी दुनिया दे विच। ते चलो इस वाक्य नूं तुहाडे नाल शेयर करदे आं। मेरा ख्याल है कि तुहानूं पहले नहीं पता होना, अगर तुहानूं पहले पता सीगा ते उह वी कमेंट च जरूर दसना। ते वीडियो नूं अगे वधांदे आं, नाल ही तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो ते बैल दा बटन वी दबा दो ताकि इहो जिहियां वीडियो तुहाडे तक आउंदियां रहिण ते तुसीं वीडियो तों सवाद लैंदे रहो। 1990 दी दहाई ते 1996 साल 96 उदों फिल्म बन रही आ, ते उस फिल्म दे हदायतकार जिहड़े ने ना, डायरैक्टर हदायतकार कह लो, सैयद नूर साहब आ। सैयद नूर साहब बहुत ही जबरदस्त किस्म के हदायतकार आ, ते उह फिल्म चल रही आ। उस फिल्म दे विच साइमा जिहड़ी हीरोइन ते मुअम्मर राणा जिहड़े उह हीरो दा किरदार अदा कर रहे आ। ते कहानी सारी इत्थों ही शुरू होई आ कि इत्थे तुहानूं इस खचरी औरत ने की चूना लाया, ये तुहानूं अगे चल के दसदे आ। ते इस फिल्म दे दौरान सैयद नूर साहब जिहड़े माशाला पहले बहुत अरसे तों जिहड़े फिल्मां च सीगे, उह पहले फिल्मां लिखदे रहे आ, डायरैक्टर तों बाद च आ के बणे ना, पहले उह राइटर ही सीगे। ते जदों डायरैक्टर वी बण गए, पूरी इंडस्ट्री नूं उह जाणदे आ। साइमा उस तों पहले सुल्तान राई साहब नाल वी आंदी रही आ, दूसरे अदाकारां नाल वी आंदी रही आ, लेकिन जो सुल्तान राई साहब दी डैथ हो गई, अल्लाह पाक उहनां दी मगफिरत फरमाए, उस बाद मुअम्मर राणा शांत इन्हां दे नाल आणी शुरू हो गई आ। ते उह फिल्म जिहड़ी सी ना चूड़ियां, उहदे विच इन्हां दा किरदार वी इहो जिहा प्यारा सीगा, और दूसरा मिठियां मिठियां गल्लां, हल्के हल्के बोल। ते सैयद नूर साहब गए इन्हां ते डोल, कि सैयद नूर साहब इन्हां दीआं इन्हां अदावां दे उत्ते जिहड़े ना इन्ने क फिदा होए कि इन्हां ने इसे फिल्म दे दौरान ही ना विआह कर लिया। हुण तुसीं हैरान हो कि इन्हां ने विआह कर लिया 1996 च ही। इन्हां ने 1996 च विआह कीता, ते उस तों बाद तुहानूं अगली गल दसदा वी जिहड़ा रौला बणिया। सैयद नूर साहब पहले भी शादीशुदा ही सीगे, ते उहनां दी बेगम दा नां सी रुखसाना नूर। ते सैयद नूर साहब ने 10 साल तक इस गल नूं लुकोए रख्या, 10 साल उहनां ने कन्नो कन्न खबर नहीं लगन दित्ती। ते उस तों बाद जिहड़ी साइमा सी ना, इहने वी 10 साल अपने खानदान च अपने घर च पता नहीं लगन दित्ता। लेकिन हैरानगी दी गल इह आ कि इह जिहड़ी रंगीन दुनिया, फिल्मी दुनिया, मतलब स्टूडियो दी दुनिया जिहड़ी है ना, इत्थे ते कोई बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे नूं अख मारे ना, ते शाम तों पहले पूरे दुहाई पै जांदी है कि इह बंदे ने अख मारी उस बंदे नूं, इहनां दा कोई चक्कर चलण लगा। ते इत्थे विआह हो गया। 10 साल तों बाद 2007 दे विच इहनां दे विआह दा पता लग्गिया। ते सैयद नूर साहब दसदे आ कि जदों इहनां दे विआह दी खबर उहनां दे घर तक पहुंची, ते उहनां दे घर च ते दुहाइयां पै गईआं। पहली बीवी ने चक असमान लिया सिर ते, ते दूसरे पासे सैमा दे घर वी जदों पता लगा, उहनां ने वी इसे तरां ही रौला पाया, लेकिन सच्ची मुहब्बत सी उहनां दी जित गई। ते उस तों बाद दोनों घर जिहड़े हसी खुशी रहिण लग पए। ते इस वेले सैमा दे नाल तुसीं इक बच्चा जिहड़ा ना देखदे हो ना, मुंडा, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੈਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਨਾ, ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੈਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਬਣਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਪਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਚਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਮਾ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਅਗਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸੈਮਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।